अस्सलाम वालेकुम। इसमें सर जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंट्रूजन है, वो ये है कि सेपरेशन, डिवोर्स और खुदा वट एवर इट इज़ ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग ही में ये है कि द चाइल्ड ऑफ दैट मैरिज, जो उन मियाँ बीवी का जो बच्चा है, ही हैज़ प्लेड नो रोल इन दैट डिवोर्स, सो ही शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डेप्रीविएशन। अगर आप उस बच्चे को जो उस खुला और डिवोर्स या सेपरेशन के नतीजे में पैदा हुआ है और उससे आप एक पेरेंट से रिस्ट्रेन कर देते हैं, किसी एक पेरेंट को हैंड ओवर कर देते हैं, दूसरे पेरेंट को बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस दे देते हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप उस बच्चे को सजा दे रहे हैं। आप उस बच्चे को उन उसके पेरेंट्स या वालदैन की अलहदगी की सजा दे रहे हैं, जो कि इलीगल है, जो कि शरण इलीगल है। देखिए, आप मानेंगे इस चीज़ को कि कुरान हकीम में या हदीस में या हमारे इस्लामिक इंजंक्शंस में तलाक या अलहदगी एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन ये हराम काम नहीं है। अल्लाह ने इजाज़त दोनों फरीकैन को दी है, अगर आप साथ रहते हैं वेल एंड गुड, नहीं साथ रहते तो अलहद हो जाए, लेकिन एहसन तरीके से। हमारा मसला ये है कि हमने वो एहसन तरीका माइनस कर दिया है। हम कीचड़ उछालेंगे, हम एक दूसरे पे गंद उछालेंगे, हम एक दूसरे को इंगेज करेंगे, मैक्सिमम फ्रिवोलस लिटिगेशन करेंगे, 5-5 साल लिटिगेशन में इंगेज करेंगे, ये फैक्ट भूलते हुए कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरी है। मैं जैसे मैंने रिपीटेडली मैं एक बात करता हूँ कि मैं हो सकता है कि एक अपने बच्चे के साथ रात को सो रहा हूँ और वो मेरे सीने पे सर रख के सो रहा है और वो मैं स्लोरी सुना रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ जो हमारे बच्चों का आम तौर पर होता है। सुबह मेरे स्पाउस से, मैं बीवी हूँ या शोहर हूँ, वट एवर इट इज़, अपने शोहर या बीवी से झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, वो नाराज़ होकर घर चली जाती है, बच्चे को साथ ले जाती है, और जो मेरी बॉन्डिंग है, मैं फिर उस बच्चे को अगले 7-8 महीने नहीं देख सकता, मिल ही नहीं सकता। और अगर मैं उसे बच्चे को मिलने जाऊंगा तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, जी मैं बच्चा उठाने आया हूँ और अगवा करने आया हूँ। फिर एक केस फाइल होगा, कस्टडी का गार्डियन पिटीशन फाइल होगी, और उस केस में 10-12 महीने लगें या 7-8 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे। दूसरी पार्टी जवाब देगी, जैसा बड़ी मुश्किल से ऑर्डर पास करेंगे, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, वो बच्चा कोर्ट में आ जाएगा, 0.5 घंटा या 15 मिनट की मुलाकात होगी, उसके बाद वो वापस चला जाएगा, और उसमें भी एक बड़ा सिस्टम चलेगा, बड़ा फाइटिंग होगी, बड़ा एक ग्रूसम किस्म का माहौल होगा। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सर कि इस लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है भाई, आप नहीं रहना चाहते, वेल एंड गुड, आपका हक है कि वो बच्चा आपके पास होना चाहिए, ओके, वेल एंड गुड, इसे सोचा जा सकता है। बजाय इसके कि 5 साल की लिटिगेशन के बाद आप एक कोर्ट ऑर्डर के तहत 2 घंटे या 4 घंटे की कोर्ट मुलाकात करें, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चलें, बच्चा दोनों का रहेगा, बच्चा मैं ले लूँ, बच्चा आप ले लें, उसका कोई उस झगड़े का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ने बच्चे को, वालदा को, अगर बच्चे की वालदा को इस काम के लिए चुना है कि वो बच्चे की वलादत कर सके, तो वो उसे पालना भी उसका हक है। अगर बच्चा माँ के पास रहे और बाप को मैक्सिमम इंटरेक्शन हासिल हो, तो मेरे ख्याल में ये उस अरेंजमेंट से बहुत बेहतर है जो सोल कस्टडी के नतीजे में 5-5, 7-7 साल लिटिगेशन करने के बाद 2 घंटे या 4 घंटे की मुलाकात हासिल की जाती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक शेयर पेरेंटिंग बहुत बेहतरीन हल है। इस मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसी सूरत ये इससे ये दो चीज़ें जो आप डायरेक्ट हासिल करते हैं, एक तो वो जो उस बच्चे पे जो उस चाइल्ड ऑफ मैरिज है, जो डिवोर्स और सेपरेशन के मनफी असरात उस पर पैदा होंगे, जो सेपरेशन की वजह से और कॉन्टेक्ट डिनाइल की वजह से होंगे, एक वो कम हो जाएंगे, एक उसके साइकोलॉजिकल इशूज़ कम हो जाएंगे। मैं अगर लड़का, मेरा बेटा लड़का, मेरा बच्चा अगर लड़का है, तो इस्लामिक लॉ ऑफ इज़ानियत के मुताबिक 7 साल के बाद बाप के पास प्रेफरेंशियल राइट है कस्टडी का, या 16 साल के बाद बेटी का राइट है, लेकिन 7 या 16 साल के बाद बजाय इसके कि आप बच्चे की तहवील की छीना झपटी करें, आप उस तक एक्सेस डेवलप करें, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बेटा या मेरी बेटी इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि मैं स्कूल से वापस आई हूँ तो बाबा मुझे मैकडोनल्ड लेके जाएंगे या आइसक्रीम खिलाएंगे, या मेरी बेटी अगर कहीं साइकिल चलाते हुए गिर जाती है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी या मेरा बाप आएगा मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब वो मैं टाइम गुजार दूँ लिटिगेशन में तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी डैमेज होगी, और 15-16 साल के बाद वो बच्चा आपके प्रैक्टिकली किस काम का, ना वो आपका अदब करेगा, ना वो बच्चा आपके लिए मोहब्बत का बायस बनेगा। बजाय इसके क्योंकि पिछले 15 साल या 12 साल या 10 साल की जो लिटिगेशन है उसमें वो बच्चा एलिनेट भी हुआ है, उस बच्चे के अंदर बारूद भी भरा गया नफरत का, उस बच्चे को ब्रेन वॉश भी किया गया, उसका आपके पास कोई मदावा नहीं है सोल कस्टडी की लिटिगेशन में। लेकिन शेयर पेरेंटिंग में चूंकि आपकी इंटरेक्शन है, फ्री एक्सेस है, फ्रीक्वेंटली आपकी मुलाकात चल रही है, वो आपके घर आ रहा है, उसे बाहर लेके जा रहे हो आप, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने कोशिश की शेयर पेरेंटिंग प्रिंसिपल को इंस्टॉल करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 103 से लेके 123 या 35 दिन 135 डेज एक साल में एक नॉन कस्टोडियल पेरेंट को मिल जाते हैं। तो बेसिकली तो ये आपकी बॉन्डिंग है ना जी अपने बच्चे के साथ,
वो ड्यूरेशन तो नहीं है, वो बेसिकली तो बॉन्ड है कि बाप मेरे मुश्किल में, मेरे जब सालगिरह थी तो कहाँ था मेरा नॉन कस्टोडियल पेरेंट, पाकिस्तान में चूँकि नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स की अक्सरियत वालिद पे मुश्तमिल है, तो इसलिए वो बार बार वालिद हैं, बहुत सारी मदर्स भी ऐसी हैं जो नॉन कस्टोडियल हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सैनिटी का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, और जहाँ पे लिटिगेशन नहीं बनती बिला वजह उस लिटिगेशन में नहीं इंडल्ज करना चाहिए, कोई एक फलाह का काम नहीं है। पूरे पूरे घर हमने उजड़ते देखे हैं, पाँच पाँच सात सात साल के अंदर बच्चे भी ज़ाया हो गए, मियाँ भी वो जॉब नहीं कर सकता, वो सिर्फ लिटिगेशन फेस करेगा। इसी तरह बीवियाँ जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत सारे मसाइल और मुश्किल हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि अक्ल का दामन पकड़ना चाहिए और एक बीच का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क शेयर पेरेंटिंग को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो डिनाई भी नहीं कर रहा। मसला ये है कि हमारे पास वो इल्म नहीं है। हम मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मसलन आप ये मैं जैसे अभी आपको मैंने गुजारिश की कि 1947 से लेके आज तक तकरीबन 70-75 साल गुजर गए, हम एक अमेंडमेंट कर सके हैं गार्डियन वॉर्स एक्ट में, उसमें हमने अमेंडमेंट नहीं की। 2002 में विजिटेशन राइट्स का कॉन्सेप्ट मुकन्नना ने इंट्रोड्यूस कर दिया, नया कानून आ गया फैमिली को वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट में 2002 में। मुशर्रफ साहब को तमाम गालियां देने के बावजूद एक ब्लेसिंग उनकी ये कि उन्होंने एक विजिटेशन राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कानून में। 2002 से लेकर 2017 तक 15 साल तक किसी ने उस प्रोविजन को एजिटेट ही नहीं किया, चैलेंज ही नहीं किया। पहला ऑर्डर जो उस प्रोविजन के ऊपर आया वो मेरी जजमेंट के ऊपर आया, मैंने उस प्रोविजन को एजिटेट करना शुरू किया कि जनाब ये विजिटेशन राइट्स डिफरेंट है। देखें बेसिकली लॉ में कानून जो हमारा पाकिस्तानी फ्रेमवर्क है लीगल फ्रेमवर्क, उसमें एक परमानेंट कस्टडी है, एक इंटरिम कस्टडी है। आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेरी कस्टडी, विजिटेशन राइट इज अ टेम्परेरी कस्टडी, कुछ देर के लिए बच्चा आप हैंड ओवर करें वापस कर दें। वो इंट्रोड्यूस उस लॉ के ऊपर किया गया जो 2002 में उसके ऊपर बुनियाद बना के इंट्रोड्यूस किया गया, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉ में। और पहली जजमेंट 2017 सीएलसी 1747 की सूरत 1747 लाहौर की सूरत में आई, उससे पहले आज तक कोई एक जजमेंट ऐसी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान कोइट बलोचिस्तान सरहद पंजाब सिंध इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान, पांच सूबे हैं, एक कैपिटल टेरिटरी है, सारों ही हाई कोर्ट्स हैं, कोई एक जजमेंट 2017 से पहले ऐसी नहीं है जिसमें किसी ने विजिटेशन राइट्स को कॉन्सेप्ट डेवलप की बात की हो। वो जजमेंट आई और आज आप देखें तो 93 के करीब जजमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। तो वो एक आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर चूँकि मटीरियल अवेलेबल नहीं था, कॉन्सेप्ट नया था, डिफरेंट था, जस्तजू नहीं थी, तो इस वजह से हम उसे उस तरह प्रमोट कर नहीं सके। अच्छा, क्या आप स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव चेंजेस सजेस्ट करेंगे ताकि जो इस कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है मौजूदा सिस्टम से इसको सपोर्ट करें? सर देखिए बेहतरीन मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि हमें वक्त का तकाजा है कि हमें एक डिस्टिंक्शन और एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। इसका लाहौर में जस्ट फॉर सेक ऑफ मैं आपको इसकी मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ कि जिस लेवल पर लिटिगेशन यह चल रही है लाहौर में, इसके 37 फैमिली कोर्ट्स हैं, 5 गार्डियन कोर्ट्स हैं, एक इवनिंग कोर्ट है, 43 कोर्ट्स काम कर रही हैं जो सिर्फ फैमिली के मामला काम कर रही हैं। फैमिली केसेस में कस्टडी केसेस हैं, मेंटेनेंस है, डावरी आर्टिकल 3 केसेस ज़्यादातर होते हैं, एक अलग एक गार्डियन सब्जेक्ट। फर्ज कर लेते हैं कि आप इनको 4 से डिवाइड कर लें, एक केस कस्टडी के 3 केसेस बाकी हैं। इन 43 कोर्ट्स में सर एवरी कोर्ट हैज़ ए कॉज लिस्ट ऑफ 107, 170, 175 केसेस डेली। एक एवरेज टेंटेटिव असेसमेंट करें तो 160,000 केसेस हैं जो सिर्फ लाहौर में चल रही, सिर्फ लाहौर में। आप 160,000 को 3 पे तकसीम भी करें डाटा के तौर पे तो भी बड़े आराम से 40,000-45,000 बच्चे सिर्फ लाहौर में इन्वॉल्व हैं इस लिटिगेशन। आपके पंजाब में 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3 तहसीलें हैं, हर तहसील में 2-2 फैमिली जज बैठे हुए हैं। ना ना करते भी आपके 100-150 केस, ना ना करते हुए भी 50-20-25-30-50 केस हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए, हर फैमिली कोर्ट में लगे हैं। मुझे भी इतफाक़ हुआ है फैमिली कोर्ट एट सरगोधा जाके देखने का, 110 केसेस की लिस्ट है वहाँ पे, एक जज के पास 9 जज बैठे हुए। तो आप मैग्नीट्यूड अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको सिर्फ पंजाब की हद तक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कस्टडी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं। अब इस लिटिगेशन में 2 तरह के फ्रीक हैं, एक वो फ्रीक है जिसने कसम खाई हुई है कि ना हमने खर्चा देना है, ना एक रुपया देना है, ना हमने इन्हें सुकून लेने थे, ना हमने तो लिटिगेशन में रहना ही रहना। और एक फ्रीक है वो अकलमंद तरीके से समझता है कि नहीं यार चलो अलहदगी होगी कोई बात नहीं।
एक बेहतर ऑप्शन निकालें, एक विजिटेशन लें, हम खर्चा दें, हम लिटिगेशन को ख़त्म करें और बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक वो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, जो पेरेंट्स कस्टडी को नहीं कंटेस्ट करते, जो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं और मुलाकात मेंटेनेंस जो बच्चे का जायज़ हक है वो देते हैं, उन्हें रिलीफ देना चाहिए, उन्हें एक्सेस होनी चाहिए मैक्सिमम। और उस सूरत में इसका जो प्रोविजंस प्रेजेंट लॉ में है, आपके फैमिली कोर्ट्स एक्ट में एक प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन है, एक पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन की स्टेज है, फिर इसी तरह का अभी लेटेस्ट लॉ डेवलप हो रहा है पंजाब का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है 2019 का, फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूल्स हैं 2020 के, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश और जस्तजू की जा रही है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बीच का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए और इसमें जुडिशियल सिस्टम को भी टेक ओवर करना चाहिए और मुकन्ना को सिर्फ एक राइट, सिर्फ एक लाइन कानून जो मौजूदा कानून है उनमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी चाहिए कि जैसे मेंटेनेंस का फैसला मेंटेनेंस आप फिक्स करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डिफेंडेंट, वैसे ही विजिटेशन राइट्स का भी फैसला फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डिफेंडेंट होना चाहिए, 15 दिन या 20 दिन का ड्यूरेशन होना चाहिए। और देर मस्ट बी अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजिटेशन राइट्स। अगर वो विजिटेशन राइट्स का प्रोसीजर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको गुजारिश की कि सिर्फ लाहौर में 43 कोर्ट्स काम करें, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जो कि सुपरवाइजरी कोर्ट है सूबे की, पूरे सूबे की, उसके 4 या 5 जज सिर्फ फैमिली का काम करें और कोई काम उनके पास नहीं है वो, और हाई कोर्ट के जजेस भी तकरीबन 200-225 केसेस की लिस्ट है एक जज के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो काम नीचे ख़त्म हो सकता है उसे क्यों आप हाई कोर्ट तक ला रहे हैं? आपने 9 लाख केसेस का बर्डन डेवलप कर दिया हाई कोर्ट्स मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के ऊपर, और आप वो थ्रेश आउट करें कि वो 9 लाख केसेस में से तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख वो केसेस हैं जो फैमिली के हैं, जो कि विजिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं अगर बाप हूँ एक नॉन कस्टोडियल फादर और मेरे पास विजिटेशन राइट्स नहीं और मेरा बच्चा मुझे एक्सेस नहीं मिली, तो मैंने बर्थडे पे भी एप्लीकेशन देनी है, मैंने उसकी सालगिरह पे भी एप्लीकेशन देनी है, मैंने अपनी सालगिरह पे भी एप्लीकेशन देनी है, मैंने ईद पे भी एप्लीकेशन देनी है, मैंने बकरीद पे भी देनी है, उसकी छुट्टियों में भी देनी है। 9 एप्लीकेशन आपकी एक महीने में एक साल में बढ़नी है, उन 9 एप्लीकेशन का जवाब आएगा, उन 9 एप्लीकेशन के ऊपर जा सब ऑर्डर पास करेंगे, तो बर्डन ही बढ़ रहा है ना, और तो कुछ नहीं बढ़ा। तो वो आप उस बर्डन को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप 15 दिन या 20 दिन के अंदर वो स्केड्यूल करें, जो भी स्केड्यूल देना उसकी उम्र के मुताबिक, और इसके ऊपर काम करें, वो स्केड्यूल इशू कर दें और साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए पिनल क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दें कि अगर वो विजिटेशन राइट्स इंप्लीमेंट नहीं होते तो उसके अगेंस्ट जो डिलिंक्वेंट पेरेंट होगा वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो एज ए फाइन देगा। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह आप बर्डन भी कम कर सकते हैं और उन बच्चों के बचपन को बचा सकते हैं जो इन अदालती राहदारियों में तबाह हो जाए।